वेट क्या बात है इधर का भी ले ले, इनका भी ले ले। सर सेंटर आइए सर, सेंटर सब लोग आइए सर। अजीत पीछे सर, इधर मैडम देखो ना। सर सेंटर आ जाओ सर, स्टेज पे सेंटर आ जाओ सर। अरे अभी ये है ना, थोड़ा कैमरा पीछे लेना मेरे भी। दो मिनट, एक एक का होने दो, सबका ले लो। सर सेंटर लुक रेडी है, फ्रेम हुआ। हाँ सर सेंटर लुक देखिए, सर वेट वेट दो मिनट छोटा भी रहा थोड़ा पीछे हो जाएगा। ज्योति करार जी MIT पुणे। डॉक्टर पांसारी जी, प्रताप पांसारी जी।
कम क्लोज Very happy birthday with a very loud round of applause. मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं स्टेज में वो कुर्सी पर बैठूंगा जहां पर बाजू में मेरे सामने मेरे बाजू में पंडित जी बैठे हैं. तो ये मेरे लिए आज एक मतलब द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ. ये गाना बहुत ही सिंसियर गाना है. ये गाना बहुत ऑनेस्टी से बनाया गया है फॉर समबडी whom we all love. And on behalf of all the dignitaries on the stage, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये गाना गाने को मिला after 30 years of being in the industry, dedicated to one of the greatest leaders of the country of today. ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. It's a beautifully written song by Dr. Deepak ji and music मेरे बहुत ही प्रिय मित्र co-musician, somebody whom you know we love each other so much, Roop Bhai, Roop Kumar Rathore ji. हम लोग सब मिलके इसे बनाया है. Thanks to Adi and Nisarg for putting this together. I'm really privileged and honored that meri awaaz mein ek gana hai which is dedicated to our honorable PM. I'd also like to thank Shailar ji and Madhur ji, Suresh ji, everybody, all the dignitaries on stage for making this function such a special one. So happy birthday, Modi ji! जन्म दिवस के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार. स्टेज पे उपस्थित रूप के बाबा और मेरे मामा हृदयनाथ मंगेशकर जी, मेरा बहुत ही अजीज मित्र आशीष शेला और एक मित्र मधुर और एक मित्र शंकर महादेवन, रूप कुमार राठौड़, निसर्ग डॉक्टर मोदी जी ने जो अचीव किया बहुत ही अच्छा लगा. रूप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा प्ले करा. शंकर भाई ग्रेट एडमायरिंग ग्रेट फ्रेंड एंड बहुत बहुत मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं मैं आप लोग के माध्यम से और जो अचीव किया है. और मैं चाहूंगा और भी लॉर्ड गणेश उनको और भी शक्ति दे पावर दे और जितने उनके एंडेवर्स है हमारे देश के लिए वो पूरी कंप्लीट करे ऐसी मैं शुभेच्छा देता हूं. धन्यवाद. जय हिंद जय महाराष्ट्र. थैंक यू. वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी मुंबई ये इवेंट अटेंड नहीं कर पाए तो उनके बिहाफ पे उनके सुपुत्र एडवोकेट जनय हितेश जैन ऊपर आएंगे और उनका मैसेज हम तक पहुंचाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे. दिस इज जस्ट अ मैसेज फ्रॉम डैड. ही कुडंट बी हियर एट दिस गैदरिंग. डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, एस्टीम्ड डिग्निटरीज एंड फ्रेंड्स. Oh, this is his message that I'm reading out. It is with great admiration and respect that I extend my heartfelt greetings to all of you gathered here today. While I deeply regret not being able to join you in person, my thoughts and best wishes are with you on this beautiful occasion, the unveiling of this beautiful and powerful song. जन्मदिन पर ही मोदी जी के आपने यहां पर उसको आज लॉन्च किया. सर जी, मेरे मित्र मधुर भंडारकर जी
और हमारे अंगलीवान पंडित जी, सुरेश भड़कर जी, श्वेता जी, डॉक्टर पानसरे जी, ताई मयूरेश जी, और हम सबको बुलाया है अधिनाथ जी, और उपस्थित सभी भाई और बहनों, किसी ने ऐसा कहा है कि पृथ्वी पर जिस आदमी का जन्म हुआ है तो अपने साथ 6 अन्य जन्मों का वो ऋण लेकर चलता है, और मैं इसको मानता हूं शंकर जी। तो अगर मैं आज पृथ्वी पर जन्म लेकर हूं तो 6 अन्य जन्मों का मेरा कुछ ना कुछ लेकर आया हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस 6 जन्मों का ऐसा पुण्य मैंने कुछ तो किया होगा कि आज हृदयनाथ जी और ऐसे स्टेज पर मुझे बैठने का मौका मिला है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा रूप कुमार जी और उनकी पूरी टीम को, शंकर जी आपको निजराशकारे ए त्या कुशीवरे तू असा वडरास कारे तरुण आहे रात्र अजुनी। बहुत अच्छी कविता करते हैं और उन्होंने ये अच्छी जो कविता की जो बहुत मुश्किल काम है उन्होंने बहुत आसानी से किया है, बहुत अच्छा किया है। और रूप कुमार जी ने, रूप कुमार जी मेरी बहुत पुरानी पहचान है, बहुत अच्छी तर्ज बनाई है। और शंकर महादेव के लिए मैं क्या कहूं, मेरा एक बहुत मुश्किल गाना था मराठी का, तरुण आहे रात्र अजुने, जो आशा जी ने गाया था, आशा थी मेरी बड़ी बहन, वो गाने को इन्होंने इतने सही तरीके से, इतने आसान तरीके से गाया कि मैं हैरान हूं। अगर आपको सुना हो मराठी का गाना तो आपको पता चलेगा कि वो गाना कितना मुश्किल है, मैं इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाया। मैं यहाँ पे आया तो मैंने उनको कहा कि दीदी, दीदी मतलब भारत रत्न लता मंगेशकर, इन्होंने एक बहुत अच्छी बंदिश गाई है और उसकी ध्वनि मुद्र का निकली हुई है, तो मैंने वो विनती की क्या वो जरूर गाना गई, उन्होंने माना है। मेरे साथ बैठे हैं सुरेश वाडकर, जितने मेरे मराठी के गाने हिट हुए वो सब गाने सुरेश वाडकर जी ने गाए हैं। मास्टर दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठा शुरू किया था मैंने 30 साल पहले या उससे भी ज्यादा साल पहले, पिताजी की पुण्यतिथि हो, हर साल हर कलाकार को जो संगीत में अभिनय हो रहा है सम्मान, हो रहा है सम्मान कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। भारत माता की टेक 2 मिनट्स एंड डिलीवर द वोट ऑफ थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आई टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू विश आवर विश्वगुरु युग पुरुष परमादरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ वेरी वेरी ब्लेस्ड बर्थडे। आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली लकी टू बी लिविंग इन द टाइम्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आई फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक माय फादर माय गुरु पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी फॉर एक्सेप्टिंग अवर इन्विटेशन एंड ड्राइविंग even at the age of 87 from all the way from Pune and coming here directly and unveiling the song. I thank the Honorable President of BJP Mumbai, Shri Ashish Shelar ji,
I think he must be having at least 500 Pendols and meetings to visit today. But he is always kind. He's a very dear family family member, I would say. And whenever we invite him, he is always so generous to accept our invitation. What can I say about Adarniya Shankarji? Shankarji himself is a living legend. Ek Gurukul mein rakhi. Events and a publisher. Please come, Prasad. We're very happy you're here. Please come.